Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and welcome again to the Rise and Shine School. This is class 4 subject English grammar and English literature and I am your teacher Ms. Rimsha and today we are going to conduct a lecture number 2 of week 5. जैसा कि आप लोगों को पता है हम जो पोएम पढ़ रहे थे उसका नाम है द वॉच मेकर्स शॉप और आज जो है इसका फोर्थ स्टैंजा रह गया आज हम उसकी रीडिंग करेंगे ठीक है पेज नंबर 89 फोर्थ स्टैंजा आई वॉन्डर ही डजंट गेट टायर्ड ऑफ द शाइम एंड ऑल द क्लॉक्स टिकिंग एंड टेलिंग द टाइम पोइट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये कभी भी ये जो वॉच मेकर ये कभी भी थकता नहीं है शाइम मीन्स बजना जो घड़ियों की आवाज़ होती है टिक टिक होती है उसके बजने से ये कभी भी थकता नहीं है और जो घड़ियाँ हैं वो हर वक्त एंड टेलिंग द टाइम हर वक्त वो जो है टाइम बता रही होती हैं बट देयर ही गोज वाइंडिंग लेस्ट एनी शुड स्टॉप वो जो है वाइंडिंग का मतलब होता है समेटना या चाबी देना या सही करना वो उन घड़ियों के साथ हमेशा उनको सही करता रहता है या लगा रहता है उनके साथ ताकि वो घड़ियाँ ख़राब ना हो या रुक ना जाए This queer little man in the watchmaker's shop, जो watchmaker's shop में ये जो आदमी है ये इसको अजीब इसलिए कहा गया है क्योंकि queer means odd या strange या अजीब ठीक है इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कभी भी नहीं थकता ठीक है तो आज हमारी ये poem ख़त्म हो गई है ये poem जो लिखी है जिस writer ने लिखी थी जिस poet ने लिखी थी उनका नाम है Elizabeth Fleming ठीक है उसके बाद हमारा होमवर्क क्या है सबसे पहले तो आपने अपने पेज पे न्यू पेज पे डेट डालनी जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं इसी तरह फिर ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी आपने ब्लू से एंड देन यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन फ्रॉम विद ब्लू पॉइंटर ठीक है अब क्वेश्चन क्या है व्हाट काइंड ऑफ अ शॉप डिड द वॉच मेकर हैव वॉच मेकर के पास कैसी शॉप थी या वो उसकी शॉप कैसी थी आंसर द वॉच मेकर वर्क इन अ क्वियर लिटिल शॉप विद अ टम्बल डाउन वॉल्स एंड द थैच एट द टॉप उसकी जो वॉच मेकर की जो शॉप थी वो बहुत अजीब सी छोटी सी शॉप थी उसकी जो दीवारें थी वो टूटी हुई थी और उसकी जो छत थी वो घास फूस की बनी हुई थी क्वेश्चन नंबर टू वट काइंड ऑफ क्लॉक्स वर देयर इन द शॉप उस शॉप में किस किस्म की घड़ियाँ थीं There were clocks of all shapes and sizes. तमाम किस्म की तमाम sizes की तमाम shapes की घड़ियाँ उस watchmaker के पास थीं The clocks in the shop were made of silver and gold, brass and tin. जो घड़ियाँ थीं वो हर चीज़ की silver, gold, brass, tin, हर जगह हर चीज़ की वो घड़ियाँ बनी हुई थीं ये दो question आपने अपनी copy में इसी तरह उतारने हैं उसके बाद होमवर्क में भी यही काम है राइट क्वेश्चन नंबर 1-2 ऑफ चैप्टर द वॉच मेकर्स शॉप इन योर कॉपी ये दो क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं लर्न डिटेल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर टॉमकिन एंड थ्री लेग स्टूल फॉर मंथली टेस्ट आपने अपने मंथली टेस्ट के लिए जिसके जो टॉमकिन एंड थ्री लेग स्टूल का जो डिटेल क्वेश्चन आंसर है वो आपने याद करने हैं दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे थैंक यू अल्लाह हाफिज़